FCS कंपनी का स्टॉक का प्राइस का टारगेट क्या हो सकता है? तो इसने कुछ दिन लगातार नेगेटिव रिटर्न ही दिया है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, यहाँ पर कहा जाए तो इस स्टॉक तकरीबन 80 रुपीज़ के आसपास गया था किसी एक दिन। यहाँ पर नवंबर मंथ पर भी यह स्टॉक तकरीबन 84,000 रुपीज़ पर था और आज यह स्टॉक गिर कर तकरीबन 69,000 रुपीज़ हो चुका है। तो कह सकते हो कि 7,000 रुपीज़, 70,000 रुपीज़, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, इस स्टॉक का 5 डेज़ का रिटर्न के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि गिरा है, पर उसके बाद भी स्टेबल है कह सकते हो। बहुत ज़्यादा गिरा ही है कह सकते हो, पर उसके बाद भी, और 1 मंथ का कहा जाए तो भी ये गिरा है एज़ कम्पेयर टू कहा जाए तो दोस्तों, पर उसके बाद भी इस स्टॉक का अपर सर्किट का टारगेट कहा जाए तो कल ये स्टॉक अपर सर्किट पर जाएगा, जो 70,000 रुपीज़ इसका अपर सर्किट का टारगेट मानकर चल सकते हो। और लोअर सर्किट का टारगेट कहा जाए तो ये 69,000 रुपीज़ पर जा सकता है इसका लोअर सर्किट का टारगेट, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस स्टॉक पर बाइंग करना चाहते हो तो सोच समझ कर पैसा लगाओ। इतना सारा पैसा अगर एक शेयर खरीद कर पैसा लगा दोगे, पर उसके बाद भी मेरे दोस्तों यह स्टॉक बाउंस बैक कर लेगा, यह बहुत इजीली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जा भी सकता है। तो सोच समझ कर पैसा लगाओ, ठीक है। तो इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में हमने बता दिया, पर उसके बाद भी यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। पैसा आपका है, आप खुद सोच समझ कर पैसा लगाओ कि कहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। खुद एनालिसिस करो, करके पैसा लगाओ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाई।